श्री जावेद अली खान 12 मिनट 13 थे सर, कल मैंने चार्ट देखा था, 13 यहाँ 12 लिखा हुआ है, गलत मैं चार्ट देखकर बोल रहा हूँ। मिस्टर जावेद, माननीय उपसभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर चर्चा सदन के अंदर हो रही है, दूसरे सदन में हो चुकी है और देश भर में ये बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सारे बयान आए, कई सारी बातें हुई, मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बात कहां से शुरू करूं। गृह मंत्री जी चले गए, वरना मैं उनसे अपनी बात शुरू करता, लेकिन मैं पीठ के एक कमेंट से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि पीठ हमारी संरक्षक है, पीठ हमारे लिए आदर्श है। 4 तारीख को इसी महीने की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक सदस्य ने एक प्रश्न पूछते हुए हमारे सदन के अंदर एक धर्म विशेष का नाम ले दिया। पीठ को आपत्ति हुई, स्वाभाविक भी है। चेयरमैन साहब ने क्या कहा, पीठ ने क्या कहा, जरा इस पर गौर कर लीजिए। व्हाट डू यू स्पीक विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, यू कांट मेक जनरल कमेंट्री एंड डिफेम द कंट्री, डोंट डिफेम द कंट्री एंड डोंट ब्रिंग कम्युनिटी इन द हाउस। सदस्य बोले, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट। चेयर ने कहा, एवरीथिंग इज फैक्ट, डोंट आर्ग्यू विद चेयर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। उन सदस्य को हो सकता है बुरा लगा हो, उनके साथियों को बुरा लगा हो, लेकिन मुझे रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा कि एक धर्म के नाम के आधार पर अगर कोई साथी कोई प्रश्न पूछना चाहते थे तो चेयर ने उनको रोका। बल्कि मेरे लिए इस देश की परंपरा, इस सदन की परंपरा, इस देश के संविधान के लिए और ज्यादा मान मेरी नजर में बढ़ गया कि मैं एक ऐसे सदन का मेंबर हूं जहां धर्म के आधार पर ना अनुराग होगा ना द्वेष होगा। लेकिन यह जो बिल आया है सर, जैसा हमारे साथियों ने बताया, और जब कानून विद्वान बोलेंगे हमारे सदन के अंदर कई हैं, तो वो आर्टिकल 14 और दूसरे जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनका किस प्रकार उल्लंघन करता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है सर, हमारे स्टेट्समैन में भी इसमें भी लिखा गया उद्देश्यों और कारणों में कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संविधान में विनिर्दिष्ट राज्य धर्म का उपबंध किया गया है। परिणाम स्वरूप हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के बहुत से व्यक्तियों को इन देशों में धर्म के आधार पर अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। यानी धर्मशासित राज्य में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे, मान लिया है। ये बात हम मान रहे हैं और ये माना भी जाना चाहिए कि धर्मशासित राज्य कितना भी अच्छा हो थियोक्रेटिक स्टेट, वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करती ही करती है। असली वाले अध्यक्ष जी तो नहीं है, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष जी यहां रूलिंग पार्टी के बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनसे आश्वासन चाह सकता हूं कि धर्मशासित राज्य चूंके अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारे देश में अगर कोई दल, कोई संगठन, कोई व्यक्ति भारत को धर्मशासित राज्य, चाहे इस्लामी राष्ट्र, चाहे खालिस्तान, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करे, उसका खंडन कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर ऐलान करना चाहिए कि चूंकि धर्मशासित राज्य अत्याचार करता है अपने नागरिकों के साथ, इसलिए हम किसी प्रकार के धर्मशासित राज्य का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों को रोकेंगे। सर, मैं जानता हूं कि सीए भी एक अलग कानून है, एनआरसी अभी पाइपलाइन में है, वो हमारी सरकार की मंशा है। मैं चाहता था ये दोनों विषय अलग अलग रहने चाहिए थे, लेकिन कई बार गृह मंत्री जी के भाषण चुनाव में भी सुने और बाद में भी सुने और वक्तव्य भी सुने, उन्होंने कहा
कि इन दोनों चीजों को मिला करके देखिए। और जब बंगाल के लोगों को वो संबोधित करते हैं तब तो बहुत ज्यादा इसको मिला देते हैं। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं इस विषय में। सर, हमारे देश का बंटवारा हुआ था टू नेशन थ्योरी, जिसे हम द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। सावरकर जी मानते होंगे हिंदू एक राष्ट्र है, जिन्हा मानते होंगे मुसलमान एक राष्ट्र हैं, लेकिन मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि राष्ट्र धर्म के आधार पर बन सकता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या, इस्लामी राष्ट्र का मतलब क्या? मतलब यह है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कई लोगों के भाषणों में, किसी नेता या मंत्री का नाम मैं नहीं ले रहा हूं लेकिन इनके सहयोगियों का, कि हम हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त बनाएंगे। कई लोग तो तारीख तक बता देते हैं कि 2021 तक मुस्लिम मुक्त बनाएंगे, 2024 तक मुस्लिम मुक्त बताएंगे। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा किसी नेता या नहीं, लेकिन आपके कई सहयोगियों ने इस तरीके के वक्तव्य दिए हैं जो आज पब्लिक डोमेन में है। अरे इसमें क्या, नाम नहीं लिया किसी का। मान्यवर, नियमों से हटूंगा, अगली बार आप बनिएगा। कृपया। और इस्लामी राष्ट्र का क्या मतलब था टू नेशन थ्योरी के तहत, कि पाकिस्तान हिंदू मुक्त होगा। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जो ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना का 1947 में बंटवारे के वक्त पूरा नहीं हो पाया कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुक्त हो और पाकिस्तान हिंदू मुक्त हो, वो ख्वाब इस एनआरसी और सीएबी के आने के बाद हमारे देश की सरकार जिन्ना का ख्वाब पूरा करने जा रही है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। हमारा जब संविधान बना, सेकुलरिज्म बहुत से लोग कहते हैं कि सन 76 में घुसा दिया गया। सेकुलरिज्म सन 76 में नहीं सर, सेकुलरिज्म संविधान सभा के अंदर ही था। सरदार पटेल जी, हमारे पहले गृह मंत्री, आजादी के आंदोलन के बड़े सिपाही, बड़े नेता, आज उनकी कितनी बड़ी मूर्ति आप बना लो, लेकिन वो सरदार पटेल के कद को वो मूर्ति की ऊंचाई छू नहीं सकती है, ये मैं बता रहा हूं। इतने बड़े नेता थे वो। संविधान सभा की बहस के दौरान सरदार पटेल ने क्या कहा, मई 1949 में जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो उन्होंने कहा, वी आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए ट्रूली सेकुलर डेमोक्रेसी इन इंडिया। फिर 5 जून 1949 की बैठक में क्या कहते हैं, द हेल्दी सेकुलर आउटलुक इज द फाउंडेशन ऑफ ए ट्रू डेमोक्रेसी। लेकिन आज हमारी सरकार जो कर रही है, कानून के या संविधान के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर यहां लोगों की शिनाख्त करके उन्हें कुछ सहायता या कुछ मदद देने की बात करते हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मानवर कि यह स्थिति कानून की नजर में, संविधान की नजर में बहुत अच्छी नहीं है। किस लिए नहीं है? और एक दूसरी बात, माननीय होम मिनिस्टर जी ने, गृह मंत्री जी ने कई बार कहा कि इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एग्जैक्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो लोकसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा। यहां लेना देना शब्द इस्तेमाल नहीं किया, या दूसरा कहा, थोड़ा संशोधन कर लिया, लेकिन वहां कम से कम 10 बार यह कहा गया कि इस कानून से इस देश के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। क्यों साहब, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? मुसलमान इस देश के बाशिंदे नहीं हैं? इस देश के प्रीएम्बल को घायल कर दिया जाए, इस देश के आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को घायल कर दिया जाए और संविधान का जो सेकुलर फाउंडेशन है उसकी जड़ों को हिला दिया जाए और फिर कहो कि इस कानून से मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मुसलमानों तुम अपने घर में रहो। क्या हम 2 नंबर के शहरी हैं? क्या मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? ये दूसरे दर्जे के नागरिक होने की बात के
संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं सर, चूंकि आप विद्वान हैं और चीजों को समझते हैं, एक किताब है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड बाई एम एस गोलवरकर। यह किताब लिखी गई थी साहब 1939 में। तो गोलवरकर साहब इसमें जब पांचवा चैप्टर लिखते हैं तो उसमें व्याख्या करते हैं कि इस देश में दूसरे लोगों की जो हिंदुओं के अलावा होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, और वो खुद ही सवाल पूछते हैं, इफ एज इज अनडिस्प्यूटेबली प्रूव्ड हिंदुस्तान इज द हिंदू लैंड ऑफ हिंदूज एंड इज द टेरा फर्मा फॉर द हिंदू नेशन अलोन टू फ्लोरिश अपॉन, व्हाट इज टू बी द फेट ऑफ ऑल दोज हु टूडे हैपन टू लिव अपॉन द लैंड दो नॉट बिलोंगिंग टू द हिंदू रेस रिलीजन एंड कल्चर, उनके साथ आप क्या करेंगे। तो गोलवरकर साहब बताते हैं, उन्हीं की किताब का है, मैं ऑथेंटिकेट भी कर रहा हूं, कोई परेशानी नहीं। एट द आउटसेट वी मस्ट बियर इन माइंड दैट सो फार एज नेशन इज कंसर्न ऑल दोज हु फॉल आउटसाइड द फाइव फोल्ड लिमिट्स ऑफ द आइडिया कैन हैव नो प्लेस इन द नेशनल लाइफ अनलेस दे एबैंडन देयर डिफरेंसेस adopt the religion, culture and language of the nation and completely merge themselves in the national race. ये है कार्यक्रम, आज का नहीं है, बहुत पुराना कार्यक्रम है, एक खास विचार के लोगों का, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ वो सत्ता में आने के बाद किस तरीके का व्यवहार करेंगे। 1939 में गोलवरकर साहब ने इस बात को लिख दिया। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं सर, थोड़ा सा लिबरल हो जाइए आज। नहीं, मैं लिबरल हूं, आपको बताया कि 6 घंटे समय है, उसमें कंक्लूड करना, आप जल्द करें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज कृपया सीट पर बैठकर निर्देश न दें। कई बार ये कहा जा रहा है कि करोड़ों लाखों लोगों को हम इस विधेयक के बाद नागरिकता देंगे। कितने लोग नागरिकता मांग रहे हैं, उनकी संख्या 35,000 है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप संविधान इसके अंदर लिख रहे हैं एक्ट में कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आया उसको हम नागरिक मान लेंगे, तो माननीय उपसभापति जी मैं सरकार से पूछना चाहता हूं क्या कोई इल्हाम हुआ है या कोई गुप्तचर संस्था की रिपोर्ट आई है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद वहां धार्मिक प्रताड़ना बंद हो गई है, क्या वहां की स्टेट सेकुलर हो गई हैं, अब वहां कोई प्रताड़ना नहीं हो गई है। अगर आप वाकई धार्मिक अल्पसंख्यकों को इन धर्म शासित राज्यों के धन्यवाद सहायता देना चाहते हैं, मदद देना चाहते हैं, धन्यवाद, तो इसको ओपन एंडेड रखिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कंक्लूड करते हुए आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल सबको इसका समर्थन करना होता अगर दो अमेंडमेंट अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जल्द पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए उससे थोड़ा पीछे हट जाएं और सिर्फ दो अमेंडमेंट के पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जगह तो लिख दें नेबरिंग कंट्री, और हिंदू सिख वगैरह जो लिखा है इसको रिलीजियस माइनॉरिटी लिख देते तो बड़ी शानदार तरीके से ये बिल हमारा पास हो जाता। लेकिन करनी राजनीति है, श्री रामचंद्र प्रसाद राजनीतिक लाभ रामचंद्र प्रसाद में ये सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।